This conference will now be recorded. ये क्वेश्चन है मेरे भाई ऑटम 2018 का 13 मार्क्स का, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, और ये पेपर में पहला ही क्वेश्चन था। बहुत आसान इस वजह से ये क्वेश्चन था कि इसमें सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था 30 जून 2008 का, और कुछ भी नहीं, यानी मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनानी थी। ठीक है जनाब, तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। अटेम्प्ट है हमारी ऑटम 2018। क्वेश्चन है जनाब, हम क्वेश्चन तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अब सिर्फ इसको डिस्कस करना है मेन। और मैंने क्वेश्चन नंबर 24 जो आपकी असाइनमेंट का है वो भी डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 24 छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस करना है। और आपके सिंगल एंट्री की जितनी भी क्यूरीज हैं वो भी आप लोगों ने यहाँ पर दिल खोल के डिस्कस करनी है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। जुलाई फर्स्ट को 2017 को निजाम टुक ओवर आ रनिंग बिजनेस नेमली एफ सी ट्रेडर्स। प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट मेंटेन फॉर एफ सी टी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बिन गैदर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। यानी उसने एक चलता हुआ बिजनेस लिया है फॉर 1/7/2017 को, ये उसके ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है इन 1000 pounds, राइट। और 30 जून 2018 को भी, यानी क्लोजिंग बैलेंसेस भी अवेलेबल है, दोनों की बात। यानी इक्विपमेंट है, फिक्सर एंड फिक्टर फिक्सर फर्नीचर एंड फिक्सर है, ट्रेड डेटर्स, इन्वेंट्री, अनयूज्ड मिसलिनियस सप्लाईज हैं, अनयूज्ड सप्लायर्स के बिल हैं, शॉप रेंट का पेबल है। हमें पता है कि जिस एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो उसका लेजर बनाते हैं और बाकी को एज इट इज लिख लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट की समरी बताई हुई है। पेमेंट की समरी में सप्लायर को पेमेंट किया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए पेमेंट किया है, शॉप का रेंट, सप्लाईज के लिए और यूटिलिटीज के लिए। कहता है पेमेंट्स मेड आउट ऑफ कैश सेल्स। कहता है बैंक में जमा करवाने से पहले आप लोगों ने जो पेमेंट्स किए हैं वो सैलरीज एंड वेजेस की पेमेंट की है, इन्वेंट्री के लिए आपने 3000 पे किया है, पार्ट पेमेंट ऑफ सेल्स कमीशन टू राइडर्स, यानी जो राइडर्स को आपने कमीशन पे करना था उसमें से 90 रुपीज आपने पे कर दिया। एक बात दोबारा मैं आपसे कहूंगा कि हमने आई कैप का सोल्यूशन बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन हमने अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आई कैप के सोल्यूशन में कुछ वर्किंग डायरेक्ट की होती है जिससे हमें परेशानी होती है, इसलिए हमने डायरेक्ट वर्किंग की बजाय अपने तरीके से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन फिर आपको ज्यादा अच्छा भी लगेगा और आसान भी लगेगा। चलिए जनाब, लिखा हुआ है अनपेड सप्लायर्स बिल। सप्लायर्स का बिल है अनपेड जो 30 जून को है वो 320,000 है, विच वॉज मिस्टेकनली टेकन आउट 230,000। ज्यादा लिख दिया काम आपने। जो सप्लायर का बिल है वो कहता है कि बिल के अंदर इंक्लूड है 320,000, लिखना कितना था 230,000। ज्यादा लिख दिया है या कम लिख दिया है? कम लिख दिया है, तो जो डिफरेंस होगा वो हम अपने क्लोजिंग बैलेंस में ऐड कर देंगे, इस डेट को ऐड कर देंगे। लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर गुड्स कॉस्टिंग 540,000 वर विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विदड्रॉ की जा रही है 540,000 की, और इन्वेंट्री कहता है कि 30 जून 2018 को इंक्लूड, इसके अंदर शामिल हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड ना हो तो हम क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज लिखेंगे, अगर वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर शामिल हो तो फिर हम उसको, यानी अलग से ना बताया होता कि उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो फिर हम इसकी सिर्फ एंट्री पास करते। कहते हैं 250,000 बैडली डैमेज्ड हैं और उसकी सेल वैल्यू नहीं है। आपको पता है हम अपने स्टॉक को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे लिखते हैं, इसकी एनआरवी जीरो है, यानी एनआरवी
सेल वैल्यू को कहते हैं ना, सेल वैल्यू, अगर कोई अदर सेलिंग एक्सपेंस आ गया तो उसको नेट करते हैं। तो ये एक तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मौजूद है, उसमें से माइनस कर देंगे। दूसरा, इसको जैसे अब नॉर्मल लॉस को ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट करेंगे। फिर उसने आपको मार्कअप दे दिया। अब जैसे ही सीपीएस हमें बता दिया जाता है, उसका हमें सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हम सेल या कॉस्ट दोनों में से कोई एक चीज फाइंड कर लेंगे, दूसरी चीज हमें परसेंटेज बनाकर आ जाएगी। डन। कहता है जो राइडर्स का कमीशन है वो 3% है, और फिक्स एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो है 10% पर एनम। सैलरीज एंड वेजेस अमाउंटिंग दिस वर पेड इन जुलाई, मतलब ये भी अनपेड है सैलरीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर्स का ही लेजर बनाएंगे क्योंकि क्रेडिटर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताई हुई। तो आज है जनाब, हम अपने तरीके से करते हैं, तो देखना क्वेश्चन कुछ आपको बेहतर लगेगा। पेपर में आपने वर्किंग बाद में करनी है, फिलहाल मैं आपको पहले वर्किंग करवा देता हूं। वर्किंग नंबर वन, हम बनाते हैं क्रेडिटर्स का लेजर। अली हसन का मैसेज मिला है कि सर एडजस्टमेंट नंबर सिक्स एक दफा दोबारा बता दें। अली हसन, सिक्स एडजस्टमेंट में क्या है? 250,000 की गुड्स डैमेज हो गई हैं जिसकी सेल वैल्यू भी नहीं है, मतलब हमारी वो वैल्यू है जिसकी एनआरवी जीरो है। इसकी हम एंट्री ये भी पास करते हैं, एबनॉर्मल लॉस टू परचेजेस। क्या एंट्री पास करेंगे? एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, राइट? एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड है वहां से भी निकाल देंगे क्योंकि इसकी एनआरवी जीरो है, और जीरो पे लिखेंगे तो कॉस्ट ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है, तो सिर्फ 250,000 माइनस कर देंगे। चले, वो बाद में भी एक दफा हम डिस्कस करते हैं, पहले आप क्रेडिटर्स का लेजर बनाओ। आ जाएं जरा, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देख ले, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देख ले। जी जनाब, ये लिखा हुआ है अनपेड सप्लायर्स बिल, अनपेड सप्लायर्स बिल, ब्रॉड डाउन है 1850। और कैरी डाउन है मेरे भाई, वैसे तो 2800 है। इस 2800 के अंदर एक अमाउंट गलत भी लिखी हुई है, वो 320 और 230 का डिफरेंस, 320 माइनस 230 का डिफरेंस, 90,000 का डिफरेंस गलत लिखा हुआ है, वो हम ऐड करके लिखेंगे क्योंकि अमाउंट्स इन थाउजेंड्स में है ना। तो 2890 हमने अपना कैरी डाउन लिखना है, 2890 जो पेमेंट्स की हैं, बैंक के जरिए भी हैं, कैश के जरिए भी हैं। चाहे तो आप जैसे आई कैप ने अपने सोल्यूशन में लिखा हुआ है कि उसने कैश परचेजेस के नाम से अलग से ऐड की है, तो हम कह देते हैं जी हमने क्रेडिटर्स को कैश पे किया है। अब आ जाए जरा, ये सप्लायर्स ने चेक पे किए हैं, सप्लायर्स को चेक से पेमेंट की है, और यहां पर परचेज ऑफ इन्वेंट्री हम ये समझते हैं कि ये हमने अपने क्रेडिटर्स को 3000 कैश की फॉर्म में पे किया, तो 13600 और कैश के जरिए जो पेमेंट आ रही है, क्वेश्चन अपने सामने रखना है, 3000। लो मेरे भाई, क्लोज कर दो, कैलकुलेटर सामने रखें, अपने अपने कैलकुलेटर्स काइंडली सामने रखें, तो हमारे पास टोटल परचेजेज आ जाएंगे। एक बात याद रखिए, मैं आपका क्वेश्चन जब देखता हूं ना, मुझे पता चल जाता है कि आपने सोल्यूशन से देखा है या नहीं, उसमें कुछ ये वजूहात है, क्योंकि हम अपने सोल्यूशन अपने तरीके से करते हैं। जी जनाब, कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? 17640। 17640। डन। क्रेडिटर का लेजर बना लिया।
अब हम मेरे पास हमारे पास इन्वेंट्री की सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम इन्वेंट्री का लेजर बनाकर कॉस्ट ऑफ सेल बना देते। सबूर भाई कह रहे हैं कि 3000 का रिपीट कर दें। सबूर भाई ये लिखा हुआ है, मैंने आपको एक दिन बताया था, आपको याद होगा कि अगर क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो और पेमेंट्स इन्वेंट्री के अगेंस्ट की जा रही हो, तो हम ये समझते हैं कि वो सप्लायर्स को पे किया गया है, एक अजम्पशन ली जाती है ताकि हमारी थोड़ी वर्किंग भी कम हो। और दूसरा यह है कि हमें अक्सर स्टूडेंट्स को भूल जाता है 3000 लिखना ही। तो अब देखें कि बैंक स्टेटमेंट से, बैंक की पेमेंट से सप्लायर्स को पे किया है 13600 और कैश की अमाउंट से सप्लायर्स को पे किया है 3000। हाफिज नौमान शहजाद कह रहा है कि हो सकता है कि हमने ये 3000 कैश परचेजेस की हूं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम ये अजम्पशन लेते हैं क्योंकि आंसर पे 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी तक वर्किंग थोड़ी सेव कर रहे हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं कि जी हमने क्रेडिटर को पे किया है, कोई मसला ही नहीं होगा। आपका आंसर 100% ठीक आएगा। आप देख लें, आई कैप ने अपने सॉल्यूशन में उसको कैश परचेजेस कंसीडर किया है और हमने इसको यहां पर लिखा है, आंसर दोनों का सेम आ रहा है। आई कैप का भी 17640 आया है परचेजेस और हमारा भी 17640 आया है। देखिए, जब आप अपने तरीके से सवाल करोगे ना, जब आप लोग अपने तरीके से सवाल करोगे ना, तो एक बात याद रखो, आपको फिर ही ग्रिप आएगी। अगर आप डिफरेंट जगह से सॉल्यूशन देख देख कर करोगे ना, वो सॉल्यूशन तो हर सवाल का डिफरेंट होता है, फिर ग्रिप टॉपिक पे नहीं आ सकती। चलें जनाब, अब हम वर्किंग नंबर 2 पे चले जाते हैं। इन्वेंट्री का लेजर बना लेते हैं जहां से हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। जी मेरे भाई, ब्रॉड डाउन कितना है इन्वेंट्री का? इन्वेंट्री का ब्रॉड डाउन परसेंटेज 2800 2800, ये इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है जनाब, 2800। डन। इन्वेंट्री का जो कैरी डाउन है वैसे तो 2400 है। इन्वेंट्री का कैरी डाउन वैसे तो 2400 है, लेकिन इसके अंदर 250 की वो वाली इन्वेंट्री शामिल है जिसकी सेल वैल्यू जीरो है, ये छठी एडजस्टमेंट। और जिसकी सेल वैल्यू जीरो मतलब उसकी एनआरवी जीरो। और अगर हम हमें पता है कि हम स्टॉक अपना लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे लिखते हैं, तो इसको 250 में नहीं लिखना चाहिए बल्कि जीरो पे लिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में 2400 में से 250 माइनस करके लिख देंगे, तो वो हमारे पास आ कितना जाएगा, 2150। डन। अब जरा ध्यान से चीजें, क्योंकि तो इसमें कुछ चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। अब नॉर्मल लॉस हुआ है ना सर जी, दोनों आपसे ड्राइंग नहीं निकालेंगे, क्या ये ड्राइंग माइनस नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे, नहीं क्लोजिंग स्टॉक से माइनस तब करेंगे अगर वो खुद हमें कहता कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ड्राइंग्स भी शामिल हैं जो हमने ड्रॉ की हैं, तब हम इसमें से माइनस करते, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में सब कुछ प्लस माइनस हो चुका होता है, हमने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर वो खुद से लिख कर कहेगा कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ये अमाउंट शामिल है, तब हम उसको एडजस्ट करेंगे, वरना ऑलरेडी एडजस्ट चीजें हो चुकी होती हैं क्लोजिंग में। तो आप लोगों के पास एबनॉर्मल लॉस की जो जर्नल एंट्री पास होती है ना, वो एबनॉर्मल लॉस डेबिट होता है, स्टॉक या परचेजेस क्रेडिट होता है। एबनॉर्मल लॉस डेबिट होता है, स्टॉक या परचेजेस क्रेडिट होता है 250 से, ठीक है जनाब। तो एक तो हमारा एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड यहां पर भी होगा। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्लोजिंग स्टॉक से जब आपने माइनस कर दिया,
तो फिर यहां पर क्यों लिख रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक में इसलिए माइनस किया क्योंकि वहां पर लिखना ही नहीं चाहिए, वहां से निकाल के जिधर लिखना चाहिए वहां लिखा है, ठीक है जनाब। उसके बाद ड्राइंग्स की भी एंट्री होती है, उसकी स्टॉक की ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, स्टॉक या परचेजेस। ड्राइंग्स हुई कितनी अमाउंट की है? 540 की, ये लिखा हुआ है यहां पर। पांच सौ चालीस। तो मैं क्या करूंगा, ड्राइंग्स के नाम से भी यहां पर 540 लिख दूंगा। जिस बंदे को कोई परेशानी हो ना क्वेश्चन करते हुए, उसने एक काम लाजमी करना है कि जो मैंने सिंगल एंट्री का पहला लेक्चर दिया था ना, उसमें मैंने सारे लेजर्स भी बनवाए थे कि इस लेजर में ये चीजें पॉसिबल हैं, तो उसमें ये लिखी हुई चीजें आपको मिल जाएंगी। परचेजेस, परचेजेस कितना है जनाब? अभी हमने फाइंड किया परचेजेस वर्किंग नंबर वन से, परचेजेस वर्किंग नंबर वन से 17,640। आदिल क्या पूछना चाह रहे हो मेरे भाई? आप माइक ऑन करके सवाल पूछें जरा। सर जी मैं कह रहा हूँ अगर आपने वो क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर दिया था तो फिर ये दोबारा ऊपर लिखा है तो इफेक्ट तो कोई भी नहीं आया। इफेक्ट आ गया है, क्लोजिंग स्टॉक में गलत लिखा हुआ था उससे लिए निकाला है, लिखना ऊपर था। सर जी वो तो फिर ऐड हो जाएगा ना दोबारा उसके अंदर। वो ऐड हो जाए हमें क्या है, हमने तो अपनी सही करना है। अगर ना करें तो फिर सर जी आंसर तो सही आएगा। आंसर सही आएगा लेकिन अकाउंटिंग गलत हो जाएगी ना, रिकॉर्डिंग गलत हो जाएगी, जर्नल एंट्रीज गलत हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी, हमने जवाब भी ठीक करना होता है, साथ साथ एडजस्टमेंट भी ठीक करनी होती है। सिर्फ जवाब ठीक आने के लिए तो काम सही नहीं करता ना जी जनाब। अब जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, बैलेंसिंग फिगर हमारी आ जाएगी। हम इस तरीके से आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करते हैं हमेशा, और आई कैप के अंदर जो कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड की हुई है वो डायरेक्ट तरीके से फाइंड की हुई है तो गलत नहीं होती। लेकिन यह कि आप अपनी एक ग्रिप रखें, जब तक आप अपनी एक ग्रिप नहीं बनाएंगे ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, क्योंकि हर दफा क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आता है, तो आपको पास जो ग्रिप होगी उससे कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। लो जनाब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, राइट। अब कॉस्ट ऑफ सेल से मैं सीपीएस लगाकर सेल्स फाइंड कर लूंगा वर्किंग नंबर थ्री। मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल है 17,500। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह से चीजें बताई हुई हैं, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। आए जरा, कहते हैं 50% सेल्स, 50% सेल्स हम कर चुके हैं क्लास के दौरान। व्हाट्सएप पे काइंडली मैसेज ना किया करें, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्ट मुझे कॉल या मैसेज कर लिया करें, यानी यहां पर डायरेक्ट करें ना, यहां पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। 50% गुड्स आपने सेल्स किए हैं 35% मार्कअप पे, 20% सेल्स हैं 40% मार्कअप पे, और 30% सेल्स हैं 45% मार्कअप पे, राइट। हम सिंपल मार्कअप फाइंड, यानी सीपीएस दिया हुआ है, हम फाइंड कर लेते हैं। तो पहले इसको अलग अलग कर लें, 50%, 20% और 30%। 50% अलग कर लेते हैं, उसके बाद 20% अलग कर लेते हैं और 30% अलग कर लेते हैं। हां जी, अपने अपने कैलकुलेटर से 17,500 का 50% लें, 17,500 मल्टीप्लाइड बाय 50%, 875, और 20% लें 17,500 का 3500, और 30% लें तो 5250, राइट। यहां से हम सेल इजीली फाइंड कर सकते हैं, यहां से हम सेल्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग प्रॉफिट मार्कअप गिवन है,
ये है जनाब 35%, 40%, 45%। जी जनाब 35, 40 है सारे मार्कअप ही, 35%, 40% और 45%। कॉस्ट गिवन है, इसके अंदर मजीद प्रॉफिट ऐड करना है, तो अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो 8750 ये हमारे पास कॉस्ट है और हमें चाहिए सेल। 3500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो डायरेक्ट पता चल गया है ना सबको, 5250 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 145। लो मेरे भाई, सबकी अलग अलग सेल्स मुझे बताते जाओ। 8750 उसका 8 1 3 राउंड ऑफ कर दो, 4900, और लास्ट वन इज 7 7 6 1 3 7 6 1 2 इसको लिख लेते हैं, 7 6 1 2 उसको एक डिजिट बढ़ाया था, इसको एक डिजिट कम कर देते हैं क्योंकि 0.5 का था ना। तो लो मेरे भाई, टोटल सेल्स आपके पास आ गई, सबको प्लस करके मुझे बता दो कितनी अमाउंट आ गई, सबको प्लस करके बता दो टोटल अमाउंट कितनी आ रही। 2 4 3 2 5 2 4 3 2 5 जो लोग सिंगल एंट्री में एंटर हो चुके हैं, मतलब उन्हें समझ आना लग चुकी है, तो आप जरा गौर फरमाएं, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तक काम हो गया, सेल भी आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गई, हम नेट प्रॉफिट तक पहुंच गया, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट। अब जिस एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है उसका लेजर बना लेते हैं, बाकी एक्सपेंसेस को एज इट इज लिख लेते हैं, राइट। चलें जनाब देखते हैं किस किस एक्सपेंस का लेजर बनाने की जरूरत है। एक है शॉप रेंट पेबल, एक है मिसलिनियस सप्लाईज। जी जनाब, ये जो सप्लाईज होती हैं, ये भी हमारा एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस की तरह इसका लेजर बनता होता है कि हमने एडवांस में हमारे पास जो अनयूज सप्लाईज पड़ी हैं, ये वो अवेलेबल है। दोनों के लेजर बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 4, मिसलिनियस एक्सपेंस का पहले बना लेते हैं, मिसलिनियस सप्लाईज। जी, इसका लेजर हमेशा अनयूज्ड है ना, तो भूल भाई कहते हैं कि 250 जो हमने कैरी डाउन में से इन्वेंटरी में से माइनस किया, एक दफा दोबारा बता दें, तो भूल भाई आप खुद सोचें, एक इन्वेंटरी के अंदर 250 की गुड्स वो वाली शामिल हैं जो डैमेज हो गई हैं और उसकी सेल वैल्यू भी जीरो है, तो क्या वो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी रहनी चाहिए, या अकॉर्डिंग टू IS2 जिसकी सेल वैल्यू या NRV जीरो हो जाए तो उसको जीरो नहीं कर देंगे। मतलब मैं यहां पर कहता हूं कि 250 उसकी कॉस्ट है, सेल वैल्यू NRV जीरो है, तो मुझे 250 पे लिखना चाहिए या जीरो पे लिखना चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। तो 250 से उसमें इंक्लूडेड है, लिखनी जीरो पे थी तो 250 निकाल दिया, मिस वैसे भी डैमेज थी वो सारी, जीरो गई। क्या आप अपने माइक फौरन आंसर करके ना ऑफ कर दिया करें, शोर सा आता है। चलिए, मिसलिनियस सप्लाईज के लिए हमारे पास मिसलिनियस सप्लाईज का जो ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ है वो है 300 और कैरी डाउन है 400, 300 कैरी डाउन है 400। पेमेंट कितनी कर दी है बैंक के जरिए, पेमेंट कितनी की है, ये जनाब 800 की पेमेंट अवेलेबल है और कैश के जरिए इसकी कोई पेमेंट नहीं। लो जी, डिफरेंस जो आएगा वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मुझे बता दें डिफरेंस कितना आ गया, 700।
ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। वर्किंग नंबर फाइव पे चलते हैं। रेंट पेबल का लेजर बना लेते हैं। रेंट पेबल में जनाब मेरे पास जो ब्रॉड डाउन है वो लायबिलिटी साइड पर आएगा क्योंकि पेबल है 200 का और कैरी डाउन आ जाएगा 400 का। डन होगी बात। अगर हम इसको क्लोज कर दें और पेमेंट कितनी की है बैंक के जरिए रेंट के अगेंस्ट, क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है जनाब 2000। क्वेश्चन अपने सामने रखेंगे तो ज्यादा सही समय लगेगा। क्लोज कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट जाएगी वो 2200। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर। ओके होगी बात। उसके बाद सैलरीज और वेजेस के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन बताई हुई है। ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं है लेकिन पेमेंट जरूर है। ये देखें अगर हम सैलरीज एंड वेजेस 1800 पेड हैं और अगर आप गौर फरमाएं लास्ट एडजस्टमेंट पे कहते हैं सैलरीज एंड वेजेस 165 वर पेड ऑन 5th जुलाई, मतलब 30th जून तक पे नहीं हुई। सुफियान भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्लस करेंगे लेकिन लेजर बना लें ताकि हमें प्रैक्टिस में लेजर आ जाए। सैलरीज एंड वेजेस इसका ब्रॉड ऑन है ही नहीं लेकिन कैरी ऑन हमारा जो क्लोजिंग टाइम तक है वो 165 है। आदिल आपने क्वेश्चन मार्क किया है, शायद मैं आपका सवाल ना पढ़ सका हूं, मुझे काइंडली दोबारा सवाल सेंड कीजिएगा। कैरी ऑन हमारा 165 है, ब्रॉड ऑन निल है। पे कितना किया कैश सैलरीज एंड वेजेस के अगेंस्ट, हाँ जी सैलरीज एंड वेजेस में पेमेंट कितनी हुई है 1800। क्लोज कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सैलरीज आ जाएंगी वो आ जाएगी 1965 बैलेंसिंग फिगर। आदिल भाई का सवाल है कि आपने कहा था सर कि जब तक एडिशनल इंफॉर्मेशन ना बताई हूं तो उसका लेजर नहीं बनाते। अदल भाई सिंगल एंट्री में मैंने ये बात बताई थी कि जिस एक्सपेंस का या इनकम का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो उसका लेजर बनाया करो और जिसका ओपनिंग क्लोजिंग ना गिवन हो वो एज इट इज लिख लिया करो। ये मैंने बात बताई थी। ये मिसलिनियस का ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है और यहां पर देखें मिसलिनियस सप्लाईज की बैंक में पेमेंट भी बताई हुई है। ये अगर आपको सही तरह नजर आ रहा हो तो ठीक है, इसलिए इसका लेजर बनाया है और हमने ये अपना लेजर काइंडली देखिएगा। जो फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं लिया हुआ तो किसी से लेक्चर कॉपी करके मेरे पास ले आए, ठीक है। चलें जी अब हमारा काम हो गया खत्म। अब आपको सवाल करने का मजा आएगा कि चीजें आपके अपने हाथों से गुजरी हैं, आपने खुद से कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश नहीं की आंसर देख के, सारी चीजें आपने खुद आइडेंटिफाई की है, फाइंड की है। तो आज है मेरे भाई अब हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। हम पहले लिख देंगे कि जनाब एफसी ट्रेडर है। डन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड थर्टियथ जून 2018। सारी चीजें अब आपके सामने हैं। दो कॉलम बनाते होते हैं हम मोस्टली ताकि एक कॉलम में वर्किंग लिख सकें, दूसरे कॉलम में फाइनल अमाउंट लिखें। सबसे पहले हम सेल्स लिखते हैं। वर्किंग नंबर थ्री थी या फोर थी, सेल्स की वर्किंग नंबर थी शायद थर्ड, जो भी थी। कितनी सेल्स निकाली थी
सब किसी ने टोटल किया था 24325। वर्किंग नंबर थ्री अपनी चेक कर ले जाके, शायद वर्किंग थ्री था या थ्री ही था। लेस कॉस्ट ऑफ सेल वर्किंग नंबर टू, सत्रह हजार पांच सौ हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सुफियान का आंसर आ गया 6825। डन। अदर इनकम हमें कोई नजर नहीं आई तो लेस कर देते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में हमने जो लेजर बनाए हैं पहले वो लिख लो। अदर एक्सपेंसेस का एक लेजर बनाया हमने सप्लाईज का, मिसलिनियस सप्लाईज वर्किंग नंबर फोर। कितना फाइंड किया था मिसलिनियस सप्लाईज का? 700। फिर रेंट वर्किंग नंबर फाइव, रेंट कितना निकाला था? 2200। अच्छा, ये ऊपर आप लोगों ने जहां रुपीज लिखा है इन थाउजेंड लिखना है, क्योंकि ये सारी फिगर्स रुपीज इन थाउजेंड में है। ओके की बात, ये हमने लिखना फर्स्ट कॉलम में है। रेंट के बाद हमने सैलरीज और वेजेस का लेजर बनाया, सैलरीज एंड वेजेस वर्किंग नंबर सिक्स 1965। अब वो एक्सपेंसेस लिख लें जो पे तो किए हैं लेकिन उसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था। देखें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 950, उसके इंडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 950। उसके बाद हमने देखा कि सप्लाई शॉप रेंट हो गया, यूटिलिटीज 1200, उसके बाद है जनाब इन्वेंट्री हो गया। बाकी अब हम बात करते हैं, जो चीजें मेन सीधी सीधी होने वाली थी वो हो गई। अब बात हम करते हैं जो राइडर्स को 3% कमीशन देना है राइडर्स को, और जो डेप्रिसिएशन लेनी है वो, हाँ, जो एबनॉर्मल लॉस है वो भी तो लिखना है। एबनॉर्मल लॉस आपको पता है अदर एक्सपेंस में लिखते होते हैं। एबनॉर्मल लॉस 250 का जो स्टॉक है उसकी हमने एंट्री पास की थी, एबनॉर्मल लॉस डेबिट स्टॉक क्रेडिट। एक तो वो स्टॉक में चला गया, दूसरा वो अदर एक्सपेंस में आ गया। अब आ जाए जनाब मेरे भाई डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड बताई हुई है, कोई स्पेसिफिक वर्किंग नहीं है। 10% कहता ले लो, आ जाओ जरा 10% ले लेते हैं। बैलेंस सेम ही है, 4000 बैलेंस है, 2500 बैलेंस है, जिसका मर्जी ले लो। वैसे तो ओपनिंग पे लेंगे डेप्रिसिएशन, तो दोनों का 10% ले लो। डेप्रिसिएशन किस किस दिया है जनाब? एक इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी मेरे भाई 4400, और डेप्रिसिएशन आ जाएगी इक्विपमेंट की और फर्नीचर की 2500 का 10% 250। अब आ जाते हैं कमीशन के ऊपर। 3% देना है जनाब, 3%। वो कहां से पता चलेगा? ये उसकी सेल्स हैं, देखें जरा गौर फरमाइएगा। कहता है 3% कमीशन देना है राइडर्स को, और राइडर्स की सेल है 4900। राइडर्स की सेल 20% है ना, उसकी सेल्स है 2900, इसका 3% ले लें तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 4900 3%। 147। अब जरा गौर फरमाएं, ये अगर वो बैलेंस शीट हमसे बनवाता ना तो एक और अच्छी बात हो जानी थी। वो कहता है पार्ट पेमेंट टू सेल्स ऑफ कमीशन ऑफ राइडर,
147 उसका बनता है, पे सिर्फ 90 किया है, जो बाकी की अमाउंट है वो करंट लायबिलिटी में चली जाएगी, एक्सपेंस में पूरा 147 आएगा, क्योंकि उसका जितना कमीशन बनता है अगर पे कर दो तो ठीक है, नहीं भी पे करोगे एक्सपेंस में जरूर आएगा, और दूसरा कहां पर जाएगा, लायबिलिटी में, एक्सपेंस में भी आएगा और दूसरा कहां पर जाएगा, लायबिलिटी के अंदर। तो जनाब आपका 147 कमीशन एक्सपेंस आ गया। चले जनाब एक्सपेंसेस का काइंडली को टोटल कर दे, 700 प्लस 2200 प्लस 700 1965 950 1200 250 400 250 147। पहले इसका कुछ एक्सपेंस का टोटल बता दे, 8062 आंसर आ रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास नेट लॉस आ रहा है 1237। तो जनाब आपने, आपका काफी आज ये सवाल ठीक था स्टूडेंट्स का, काफी ज्यादा, लेकिन पता नहीं था क्यों आया ये आंसर, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को, राइट। अब मेरे भाई अगला सवाल निकालें, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे, अब्दुल मोइज कहता है कि सर करंट लायबिलिटी वाली बात करते हैं। अब्दुल मोइज भाई देखें, कमीशन बना है 4900 सेल की थी राइडर ने, उसका 3% कमीशन आ गया था, वो बनना था 147। आपके क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने 90 रुपए राइडर को दे दिए, ये देखें, इसका मतलब है उसका कमीशन बनता है 147, 90 पे कर दिया तो 147 में से 90 माइनस कर देंगे, जो बाकी 57 आएगा। अगर बैलेंस शीट बनती ना तो 147 में से 90 माइनस करके 57 करंट लायबिलिटी में जाकर लिख देते, ये 147 कमीशन बनता है, 90 सिर्फ पे किया, ओके होगी बात। अगर आप इसको लेजर बना, लेजर की फॉर्म में बनाना चाहते हो तब भी बन जाएगा, वैसे ही लेजर में क्या बनेगा कि उसका ब्रॉडोन तो नहीं है लेकिन पेएबल है, 57 पेएबल है। टोटल बनता कितना है, सॉरी पेएबल अभी 57 बाद में निकालते हैं, टोटल बनता कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 147, पे कितना कर दिया है 90, बाकी कैरी ऑन में कितना आ जाएगा 57, तो ये लायबिलिटी में चला जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर लकीली उसने हमसे पूछा ही नहीं है, उसने पूछा ही सिर्फ ये है कि जनाब मेरे भाई के सिर्फ और सिर्फ आप फाइंड करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। अहमद रजा का भी मैसेज मुझे मिला है और पहले अब्दुल मुईज ने भी मुझे कहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 24 भी डिस्कस कर दें। अब क्वेश्चन हमारे ये डिस्कस तो हो रहे हैं, आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से कंसिडर करना है, मजा आता है अकाउंटिंग करने का अगर आप लोग अच्छी तरह समझ के करने की कोशिश करो, एंजॉय किया करो, जान ना छुड़ाया करो, पेपर पास हो जाएगा। पेपर पास होने से ज्यादा अगर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। जी सवाल ये है कि 12 नंबर का ये सवाल है, अब देखो लगता कितना छोटा सा है। बिलाल भाई का मैसेज आया कि सर क्रेडिटर का लेजर दिखा दें। बिलाल भाई ठीक है, आप देखें क्रेडिटर का लेजर जरूर देखें, फिर हम क्वेश्चन, पहला वर्किंग नंबर वन है हमारी। जी मेरे भाई ये क्रेडिटर का लेजर है, कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ लें। जी डन, आगे चलें। चले जी क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। जी लिखा हुआ है मिस्टर अहमद सरवर रन्स आ ज्वेलरी शॉप इन अ सदर कराची और जनवरी 1, 2002 हिज ट्रेड इन्वेंटरी एट कॉस्ट अमाउंटेड 470,000 एंड हिज ट्रेड पेबल 395। सवाल समझ के करना है हमने कि 470,000 की हमारे पास इन्वेंटरी पड़ी थी साल के शुरू में और पेबल कितने थे 395,000। 30 जून 2010 को हुआ क्या,
यहां तक सेल्स टोटल हो गई 4,20,000। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सेल उसने खुद बता दी हमें कि 4,20,000 की सेल्स है। अहमद मेक्स अ ग्रॉस प्रॉफिट 33.5%, सीपीएस बता दिया। लो मेरे भाई, सेल के ऊपर मैं सीपीएस अप्लाई करूंगा तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी और मैं ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर चुका हूं, राइट। वो कहता है कि 30 जून को एक बहुत ही काम खराब हुआ, बर्गलरी एट द शॉप, मतलब डकैती पड़ गई शॉप पे और वो सारी इन्वेंट्री लेके चले गए। अब हम देखना चाहते हैं कि वो कितनी इन्वेंट्री लेकर चले गए, मतलब कहते हैं सारी इन्वेंट्री, मतलब कैरीड ऑन जो भी आएगा वो सारे का सारा एबनॉर्मल लॉस है, वो सारे का सारा इन्वेंट्री चोरी होगी, हमारी हमारा सारा स्टॉक चोरी हो गया वो वाला। तो ये तो काम बड़ा आसान है अब्दुल मोईज ने, पता नहीं क्यों सवाल ये पूछा है। चलो फिर भी देखते हैं कि शायद कोई इसके अंदर की बात नजर आ जाए हमें। कहते हैं अहमद वाज ओनली एबल टू से दैट, अहमद ने की बेचारे से क्या मुंह से आवाज निकलनी है कि जिसकी चोरी हो जाए। वो कहता है वो सिर्फ इतना ही बता सका है कि ही न्यू फ्रॉम हिज बैंक स्टेटमेंट दैट ही हैड पेड टू अकाउंट पेबल। 6 महीनों के अंदर वो उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट से चेक किया कि इतने पैसे पे किए हैं और अभी हमने कुछ पैसे पे करने भी हैं, तो ये हमारे पेबल कैरी डाउन आ गया। सारा सवाल ये तो बहुत ही आसान हो गया। देखें पहले उसने कहा है इन्वेंट्री स्टोलन बताएं और इन्वेंट्री स्टोल कितनी हुई है ऑल, इसका मतलब है जो कैरी डाउन हम फाइंड कर लेंगे वही काम हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्किंग नंबर वन करके क्रेडिटर का लेजर बनाकर मुझे बताओ कि इन्वेंट्री खरीदी कितनी थी। आ जाए जरा जल्दी करो, आपने करना है क्रेडिटर्स का लेजर बनाओ और मुझे बताओ कि इन्वेंट्री खरीदी कितनी थी। ब्रॉड ऑन कितना है? ब्रॉड ऑन है 395। और कैरी डाउन कितना है? 555,000। डन। आपने खुद कहा है कि बैंक स्टेटमेंट से पता चल गया है कि हमने अपने क्रेडिटर्स को 6 महीनों में 284,000 की पेमेंट की, 284,000 की पेमेंट की। क्लोज करेंगे हमारे पास जो अमाउंट आएगी दैट इज परचेसेस। क्योंकि अब हम पहले तो इन्वेंट्री के लेजर से मोस्टली हम क्या फाइंड करते थे, मोस्टली या परचेजेस या कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन अब हमने कैरी डाउन फाइंड करना है तो इसका मतलब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल भी होनी चाहिए। सेल तो गिवन है 4,20,000 और सीपीएस गिवन है 33.5%। 4,20,000 हमें गिवन है डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर पे, यहां से हमें कॉस्ट का पता चल जाएगा 100 माइनस 33.5 होगा 66.5। तो लो जना 420 को डिवाइड कर दिया 100 पे और 66.5 से मल्टीप्लाई कर दिया 27930। या 27930 है, 4,20,000 है या 42, 4,20,000 है ना। अच्छा 33.5% है, जी जनाब 279,300 कॉस्ट हमारे पास आ गई। अब हम इन्वेंट्री का लेजर बना लेते हैं। इन्वेंट्री के लेजर में ब्रॉड ऑन जो पड़ा था उसने बता दिया कि साल के शुरू में 4,70,000 की इन्वेंट्री पड़ी थी उसके पास,
परचेजेज हमने वर्किंग नंबर वन से फाइंड कर ली, परचेजेज आ गई थी 444,000, और जो चीजें कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास आ गई थी 279,300। लो मेरे भाई, जो आपके पास एबनॉर्मल लॉस आया है 634,700। डन, काम हो गया आधा हमारा। ये पहला सवाल का जवाब है। उसने कहा है कि आपने यानी ये हमने वर्किंग नहीं करनी, ये हमारा सलूशन है कि इन्वेंट्री कितनी चोरी हुई है। उसके बाद वो कहता है जनाब ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर बता दो। ट्रेडिंग अकाउंट पूछ क्या रहा है वो, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट उसको हमें हमसे चाहिए। तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारे पास सेल्स भी हमने फाइंड कर ली है, सेल तो गिवन है, सेल्स है 420,000 और कॉस्ट ऑफ सेल है हमारे पास 279,300। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 140,700, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। इतना का हमें वैसे